हमने जूम भी करा, लेकिन ये जो पाइप लाइन दिखाई दे रही है तकरीबन काफी डूब गई थी, वह एक फुट ही दिखाई दे रही थी। तो सिग्नेचर ब्रिज से हमने ये सीन शूट किया था, तो आप देख सकते हैं पानी काफी हद तक नीचे आ चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। ये ब्लॉग क्या मतलब, ये एक छोटा मिनी सा ब्लॉग बना है, मिनी ब्लॉग। सो गाइज, अभी हमने थोड़ी देर पहले अपनी दो वीडियो शूट करी हैं शॉर्ट वीडियो के लिए। तो गाइज, किसी से खबर मिली कि पानी नीचे जा रहा है, तो हम लोग उसे देखने के लिए अभी शास्त्री पार्क की तरफ जा रहे हैं, और वहां जाके देखेंगे कि पानी नीचे आया नहीं आया, क्योंकि अभी हमने दो ब्लॉग तो अभी पहले शूट करे थे, उसके अंदर पानी काफ़ी ऊपर था। तो अगर नीचे आ जाएगा तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो गाइज चल के देखते हैं वहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम आपको पहले की हालत भी दिखाएंगे, पहले क्या था, और उसके बाद ये भी दिखाएंगे कि अब क्या हो गया है। लेकिन रात में कितना शूट हो पाएगा ये कुछ कह नहीं सकते। तो हम अपनी गाड़ी भी ले आ रहे हैं, अपनी स्कूटी, तो उसकी रोशनी डाल के देखेंगे कितना है और कितना पानी नहीं है। सो गाइस चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये 13 जुलाई का सीन है, और ये हमने जाके वहीं पर ही रिकॉर्ड कर रहा था। तो पानी काफ़ी हद तक ऊपर की ओर आ रहा था, तो पानी सड़क को क्रॉस करने में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 फुट का डिस्टेंस बचा था। हमने जूम भी करा, लेकिन ये जो पाइप लाइन दिखाई दे रही है तकरीबन काफ़ी डूब गई थी, वह 1 फुट ही दिखाई दे रही थी। तो पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया था, और देखने वालों की तो भीड़ लगी पड़ी थी। गाइस, काम सारे के सारे जो भी सड़क के सहारे सब रुक चुके हैं। ये पाइप लाइन को आप चेक करो, ये पाइप लाइन देखो कितनी सी दिखाई दे रही है। ये पाइप लाइन आप देखोगे ना तो बहुत ही कम दिखाई दे रही है। और ये 13 जुलाई का सीन है, जब लोगों में अफरा तफरी मची थी कि बस पानी आने वाला है, पानी आने वाला है। फिर हम शूट करके पहुंचे आगे सिग्नेचर ब्रिज, तो सिग्नेचर ब्रिज से हमने ये सीन शूट किया था। ये 13 जुलाई का 2023 का सीन है, और पानी बहुत ही ज़्यादा उफान पे था, बहुत ही तेज़ी से पानी आ रहा था। इतना हम जो हो सका हमने ये शूट करने की कोशिश करी। गाइस, आप देख सकते हैं ये सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर पानी कितना तेज़ी से आ रहा है। लेकिन फिर हमने 15 जुलाई को जो शूट किया वो आपके सामने अभी पेश करते हैं, दिखाते हैं शूट कर जो कराया हमने। तो गाइस, ये 14 जुलाई का सीन है, और गाइस हमने अपनी स्कूटी से पाइप लाइन के ऊपर लाइटिंग डाली, उसके बाद ही हमने ये शूट किया है गाइस। तो आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। ये दूर दूर तक हमने काफ़ी लाइट मारने की कोशिश करी है, और लोगों के आने जाने की तो यहाँ भीड़ लगी ही थी। लोग अपनी सेल्फियाँ और फुटेज अपनी ले रहे थे अपने स्टेटस को लगाने के लिए गाइस। तो गाइस आप चेक करो कितना पानी कम हो गया है, अब तो वैसे पानी काफ़ी कम है। यस, काफ़ी दूर दूर तक हमारी लाइट जा तो रही है, अब क्लियर अंधेरे की वजह से नहीं हो पा रही। तो गाइस, ये सिर्फ हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि पानी काफ़ी नीचे हो गया है, और अपना जाफराबाद सिलमपुर खतरे के निशान से बिल्कुल नीचे आ चुका है, अब मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा पानी आना। तो गाइस, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। गाइस प्लीज़ स्किप ना करो, और अपने कमेंट्स प्यारे प्यारे से भेजो ताकि हमारी हिम्मत और बढ़ जाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन अब।